हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ वन एकेडमी। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। और ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड रखेगी, हमारा कोई भी नया वीडियो आने पर सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जैसे कि आपको पता है कि कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के रीजन की वजह से मेरा सेकंड वाला वीडियो ही एज ए थर्ड वीडियो लग गया था। बार बार कह रहा हूं, सेकंड वाला वीडियो एज ए थर्ड वीडियो लग गया था वेल्डिंग 3 का, बट मैंने उसी मोमेंट पर वो वीडियो डिलीट करवा के 8 बजे से वेल्डिंग 3 का पूरा नया वीडियो लगवा के कंप्लीट कर दिया है वेल्डिंग 3 को। सो गाइज, इस गलती में मत रहिएगा कि राहुल सर ने वेल्डिंग 2 वाला वीडियो फिर से वेल्डिंग 3 वाला वीडियो बना के दे दिया। नहीं गाइस, वो थोड़ा सा इशू हो गया था बैकग्राउंड में, इट विल बी राइट नाउ करेक्टेड। और गाइस, जिसने भी वीडियो नहीं देखा थर्ड वाला, गाइस गो थ्रू इट, यू रियली लाइक इट। मुझे कमेंट में बताना, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। मैंने सारी वेल्डिंग एंड करा दी है आपकी एग्जाम रिलेटेड, तो प्लीज गाइस उस वीडियो को जरूर देखो, थोड़ा उसे अपना सपोर्ट दो। उस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं है, सच बता रहा हूं। ऐसे चला तो गाइस आप समझ सकते हो एक टीचर को कितना कैसा लगता होगा, आप समझ सकते हो। आप ही हो, जो भी हो मेरा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस आपकी है सबसे ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि आप देखते हो मैं इवन दैट वीडियो प्रीमियर रहता है, मैं वहां लाइव रहता हूं आपके साथ, आपके डाउट्स का आंसर देता हूं। तो प्लीज गाइज, थोड़ा सा हेल्प करो इसमें और शेयर करो उस वीडियो पे व्यूज, और अपने दोस्तों को बताओ कि वीडियो यहां पर आपको क्रिटिक्स चैनल पर दिया जा रहा है और यूटिलाइजेशन का फॉर एसएससी जेई और ऑल डिफरेंट पीएसयूज एंड जेई एग्जाम्स, ठीक। सो गाइज, सेशन स्टार्ट करने से पहले उसका नाम लिया जाएगा जिसने कल मेरे आंसर का सबसे पहले सही आंसर दिया है कमेंट में। तो शिल्पी कुमारी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। मैंने पूछा था कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के अंदर हम कितनी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। सो शिल्पी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच गाइज जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन गाइज, उससे पहले थोड़ी सी बात प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। This is about myself. I have 6 year teaching experience in GATE and ESC. This is my code Rahul11. अगर आप Unacademy Plus पे subscription लेना चाहते हैं तो मेरा code use करके आपको 10% discount मिलेगा। मेरा code क्या, टीम के किसी भी member का code आप use कर सकते हैं। मेरा code use करते हैं तो Rahul11, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, स्टार्ट करते हैं सेशन। वेट मिनट, पहले तो ये कर्सर कहां चला जाता है, एक मिनट गाइज। हाँ, सो नेक्स्ट, दिस इज अवर टीम ऑन एन अकेडमी प्लस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। इनके साथ जुड़ के एन अकेडमी प्लस पे अपना टीचिंग प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। सो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मैं क्यों लू अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आई विल गिव यू द राइट आंसर्स। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इट इज ए कंप्लीट बंडल पैकेज, एक जगह पे एसएससी जेई, जेई एई, पीएसयूज, ईएस, आईआरएमएस, गेट, एवरीवेयर, मतलब एक पैकेज में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। और इवन दैट जीएस वगैरह भी आपको इसी में मिलेगा। तो बेटा, डेली लाइव सेशन ऑन फिक्स टाइम, ठीक है ना, टाइम टू बी डिसिप्लिन, जैसे कि आपको पता है कोई भी तैयारी करने के लिए समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंसिस्टेंट हो तो हमेशा क्या करोगे, राइट टाइम पर पढ़ोगे और हमेशा आपकी तैयारी वेल प्रिपेयर्ड रहेगी। कंटेंट स्ट्रिक्टली ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस, आपको बिल्कुल गेट और ईएससी सिलेबस पे ही आपको क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी, ठीक है गाइस। फिर आपका थर्ड पॉइंट है गाइडेंस अंडर द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, ठीक है, हमारे वीडियोस भी देखिए, डिफरेंट एजुकेटर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं आप इस पर। क्रैश कोर्स बूस्ट योर स्कोर, आपको स्कोर को एनहेंस करने के लिए तो रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन कैसे होगा, क्रैश कोर्स की फॉर्म में होगा। आपका क्या होगा, मार्क्स, और रिवीजन भी फास्ट होने की वजह से मार्क्स भी बूस्ट होंगे, रिवीजन भी सही होगा,
नेक्स्ट कवर एंटायर सिलेबस फॉर ईएससी इन ग्रेड सिलेबस, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ऑन टारगेटेड टाइम, जिससे आपको 2 से 3 महीना मिले पूरा सिलेबस करने का, ठीक। नेक्स्ट है अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स, बेटा बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देखिए, साउथ इंडियन स्टूडेंट से तो आप इंग्लिश प्रिफर करिए, नॉर्थ इंडिया से तो आप हिंदी देखिए, सेम एजुकेटर से, ठीक है, कितना अच्छा है आपके लिए। नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व, आप क्या कर सकते हैं रियल टाइम में वीडियो जब आप एजुकेटर के साथ आप देखेंगे तो अपना कोई भी डाउट उन्हें सेंड करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबल ऑन लैपटॉप कंप्यूटर और फोन, आप किसी भी फॉर्मेट से अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, बाउंडेशन नहीं है कि लैपटॉप के लिए लिया है कोर्स तो लैपटॉप में चलेगा, फोन के लिए लिया है तो फोन पे चलेगा, ऐसा नहीं है, चाहे लैपटॉप में चलाओ, कंप्यूटर में चलाओ, फोन में चलाओ, जहां मनो वहां आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को एंटर कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा एडवांटेजेस है, वरना कभी एंड्रॉइड में ले रहे हैं तो कभी कंप्यूटर में ले रहे हैं, यहां पर ऐसा फाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है गाइस डाउट सेशन, सबसे बड़ी बात डियर डाउट सेशन, ठीक है, और डाउट सेशन हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन, क्लास कंप्लीट हुई जो भी डाउट है 3rd क्लास में अपने एजुकेटर से पूछ के एंड करो, वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अवेलेबल है, और देखो बेटा स्टूडेंट मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी YouTube में रश बहुत आता, मैं खुद अनअकैडमी प्लस पे क्रैश कोर्स ले रहा हूँ UPPSC का, तो मैंने मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, मान लीजिए मेरे पास 5 या 6 बच्चे आए स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो उन 6 से मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, उनके डाउट्स मेरे और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है, तो इतना इफेक्टिव है, आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और YouTube में तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आते हैं तो सबकी क्वेरीज लेना थोड़ा टफ रहता है। फिर नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बेटा आपके पास, आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। तो आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बेटा मैंने आपको क्या क्या एंड करा दिया, इल्यूमिनेशन कंप्लीट एंड, हीटिंग कंप्लीट एंड, वेल्डिंग कंप्लीटेड। आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन आपको एडवांटेज मिलेगा फॉर द एग्जाम फॉर JEE लेवल फॉर बैटरीज, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बैटरीज को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले लिखूंगा आपके लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं बेटा। और इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस द केमिकल इफेक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है, widely used for refining या extraction
ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स ठीक है एंड रिफाइनमेंट ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। तो बेटा इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि हमें पता है जब भी हमारा जो करंट होता है करंट क्या करता है हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है व्हेन इट पासेस थ्रू करंट रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर है ना करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड केमिकल इफेक्ट इन इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारा। तो इसके अंदर मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं कि अब जो क्वेश्चन अराइज होगा सर केमिकल इफेक्ट चलिए ठीक है ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता क्या है इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसे मैं आपके साथ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गाइज वीडियो को शेयर कर दो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आओ स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके गाइस तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या है सबसे पहले बात करूंगा बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूं ठीक है कौन सा CuSO4। तो यहां पर एक टर्म आपको मिला इलेक्ट्रोलाइट वो भी कौन सा CuSO4। और बेटा जब मैं इसे कहां पर वाटर में मिलाऊंगा जब मैं इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर मिक्स करूंगा तो दिस विल बी ब्रेक डाउन इन एनायन कैटायन मतलब Cu ठीक है एनायन रुकिए ठीक है एनायन और कैटायन एनायन मतलब हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और कैटायन हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज ठीक है गाइस इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है CuSO4 क्या होगा किसमें डिसोसिएट होगा एनायन और कैटायन में तो कैटायन कौन बनेंगे CuSO4 में Cu और एनायन कौन बनेंगे आपके SO4 माइनस। तो यहां तक तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सर जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी के अंदर मिलाते हैं तो दे विल ब्रेक डाउन इन दी एनायन एंड कैटायन। तो एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी यहां पर Cu जो होगा उसके वैलेंसी आएगी प्लस की और SO4 की आएगी माइनस की ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स। तो गाइस इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं मेटल इलेक्ट्रोड्स जो है ये ठीक है ये पार्शियली देखो आधे डूबे हुए पार्शियली फिल्ड
इन कंटेनर मतलब पार्शियली फिल्ड, ठीक है, इन सॉल्यूशन, पार्शियली इमर्स्ड एक मिनट गाइस, एक तो क्या होता है ना ये प्रेशर सेंसिटिविटी इसमें थोड़ा रहता है मैटर, इमर्स्ड पार्शियली इमर्स्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम, अब आप देखिए बेटा दो इलेक्ट्रोड्स हैं और उनके नाम क्या क्या है, यहां पर नाम लेते हैं एनोड, दूसरे वाले का क्या नाम है बेटा कैथोड, दूसरे वाले का क्या नाम है बेटा कैथोड। तो यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है एनोड और कैथोड की, कि जो पोलैरिटी बैटरी से पॉजिटिव टच होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कहलाएगा कैथोड। इतना कंस्ट्रक्शन मोर देन क्लियर है। इनके अक्रॉस मैं एक बैटरी अप्लाई करूंगा, बैटरी जोड़ूंगा जिसका वोल्टेज है वी वोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब यहां पर पॉजिटिव लगाएंगे हम और अंदर हमारे पास क्या है कि Cu++ SO4 माइनस, ठीक है गाइस, तो जो इलेक्ट्रोड होंगे आपके कंसंट्रेट होंगे पॉजिटिव पर, ठीक है, यानी आपके पास दो इलेक्ट्रोड है यानी एनोड और कैथोड, तो आपके जो एनायन होंगे, ठीक है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर स्टार्ट मूव टू टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, दे आर स्टार्ट मूव टू टुवर्ड्स कैथोड, और जो Cu प्लस होंगे आपके दे विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स SO4, तो एनोड की तरफ, सॉरी SO4 एनोड की तरफ और Cu+ आपका कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यहां पे भी बात क्लियर हो गई। अब गाइस आप एक बात बताओ, यहां पे चलते हैं तो चीजों को थोड़ा क्लियरिटी में ले लेते हैं। सर आपने बोला एनोड इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, तो एनायन जो है, एनायन कहां जाएंगे, SO4 एनोड पर और Cu++ कैथोड पर। अब बेटा एक बात बताओ, जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव आर कनेक्ट ईच अदर दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो यहां पर क्या है, मैं जो बात बताना जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना बच्चों, द पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव कैटायन टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव कैथोड, ठीक, एंड नेगेटिव कैथोड, फिर है द एनोड नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस
gives gives electron to electron to positive anode. मैंने पॉइंट लिख दिया बेटा, यहां पर सिर्फ इतना पॉइंट है कि ये जो माइनस वाले हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देंगे, एनोड को, ठीक है, और जो ये सी प्लस वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड से। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ऊपर वाला, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, बाय टेकिंग एंड बाय टेकिंग एक मिनट गए बाय टेकिंग एंड गिव्स, ठीक है, बाय टेकिंग और गिव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सर्किट, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है गाइस। तो ये तो बात होगी नॉर्मल सी कि यहां सर इतना समझ में आ गया कि CuSO4 को जब वाटर के अंदर हम इमर्स्ड कर देंगे इट विल ब्रेक डाउन एनायन एंड कैटायन, और हम एनोड और कैथोड पर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो जो हमारे कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन मेरे एनोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे और कैटायन कैथोड से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं यहां पर क्या स्टार्ट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्टेड इन दी सर्किट एंड देयर इज ए इफ देयर इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट। ओके गाइज, तो यहां पर क्या होगा, करंट भी होगा, ठीक। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं थोड़ा सा इसे बच्चे ऊपर करके यहां लिख देता हूं तो जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है, एक ही पेज पे सब आ जाए आपके लिए, ठीक है। सो बाय द फ्लो ऑफ करंट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन By the flow of electron, then there is current set up in the circuit. ठीक गाइस, तो इतना तो नॉर्मली अब आपको पता चल ही गया, लेकिन अभी भी क्या हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं गाइस, अभी भी हमारा पूरा प्रोसेस यहां पर कंप्लीट नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, क्या होगा, CuSO4 जो है आपका, ठीक है गाइस, यानी वो ब्रेक हुआ C++ प्लस SO4 -, तो यहां पर ये हुआ आपका कैटायन, ये हुआ आपका एनायन, और रिकॉल कर लेते हैं, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड,
और दीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। अब क्या हुआ बेटा, मैंने अभी बताया कि SO4 अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसे दे देंगे, वो दे देंगे एनोड को, यानी SO4 जो है अपने ये दो इलेक्ट्रॉन जो है किसे ट्रांसफर कर देंगे, एनोड को, ठीक है गाइस। और Cu+ जो है वो क्या करेंगे, वो टू इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे किससे, कैथोड से। तो गाइस जैसे ही इन्होंने टू इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, सो कॉपर बिकम्स न्यूट्रल। क्या हो गया, कॉपर तो न्यूट्रल हो गया जैसे उसने दो इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए कैथोड से। अब यहां पर SO4 जो है, अब SO4 ने दे दिए तो SO4 भी आपका क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन SO4 बेटा इतना रिएक्टिव होता है, इट नेवर एवर एग्जिस्ट इन नेवर इट नेवर एग्जिस्ट इन न्यूट्रल स्टेट, यानी ये कभी भी न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या करेगा, जब ये न्यूट्रल स्टेट के अंदर नहीं रहता तो ये क्या करेगा, आपका आपकी जो रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, वो किसकी बनी है बेटा, एनोड, कॉपर की, उससे रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड एंड क्रिएट CuSO4 अगेन, ठीक है। क्या करेगा, CuSO4 क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, दिस CuSO4 विल इन वॉटर, भाई मिलेगा उसके से, अगेन इट विल डिसोसिएटेड इंटू तो पूरी कहानी का जो सार बन के आया, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर इसका कंक्लूजन लिखना चाहें हम, तो गाइस कंक्लूजन में ये कहानी आएगी कि कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड एंड एंड जैसे ही SO4 रिएक्ट करेगा CO के साथ, तो वहां से क्या होगा, कॉपर इज लिबरेटेड एट एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा ड्यू टू द SO4 react with copper electrode। So guys ये पूरी कहानी यहां क्लियर हो गई कि CU जो है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा एनोड क्या नहीं हो जाता, वहां से पूरा कॉपर आपका डिग्रेड नहीं हो जाता। तो गाइस यहां पर ये जो पूरा प्रिंसिपल है, दिस होल प्रिंसिपल, ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यहां से यहां तक,
दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है गाइज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक, अब ये हो गया हमारा पूरा क्लियर. ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ रहे गाइस? तो मैंने बहुत पेशेंस के साथ ये चीज आपको क्लियर कर दी है, टाइम लिया है मैंने, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था कि कुछ नहीं हो रहा, कि वहां से मेटल डिपॉजिट क्या कह रहा है, रिमूव हो रहा है, कैथोड पर आके क्या हो रहा है आपका मतलब वहां पर एड हो रहा है, और एनोड से आपका लिबरेट हो रहा है या रिमूव हो रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, तो आप देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ आएगा इसके अंदर, कौन सा, सेकंड पेज पे चलते हैं गाइस. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इन्हें डिस्कस करते हैं, ये एग्जाम में आते हैं गाइस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की चीजें. तो यानी आपका इसके अंदर क्या है, ये लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ, द केमिकल deposited due to flow of current through the electrolyte is directly proportional to the quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed through it. So, you know guys, यानी जो मास, कौन सा, यानी यहां से जो कॉपर ये निकला है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा गाइस? दिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट या अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, ओके गाइस, मतलब कहने का क्या है, वेट मिनट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट. ठीक है, और हमारा ये क्या होता है, चार्ज ही क्या बनता है बेटा, आई टी. और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जेड. दिस जेड इज रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विवेलेंट. मतलब क्या है केमिकल इक्विवेलेंट, अगर मैं यहां पर 1 कूलाम का चार्ज ले लूंगा इस, तो M किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज ले लूं तो मेरा M किसके बराबर हो जाएगा, Z के. यानी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग ऑफ 1 कूलाम थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट. यानी Z की डेफिनेशन अगर बोलें तो Z क्या है, Z इक्वल्स टू M है, मतलब जितना मास मेरा क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है,
यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड ऑन पासिंग ऑफ 1 कूलम थ्रू 1 कूलम थ्रू इट्स सॉल्यूशन। ओके गाइज, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। याद रखना एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, ये पूरे के पूरे चारों फॉर्म आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, वही उसका केमिकल इक्विवेलेंट हो गया, यानी 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना मास लिबरेट होगा, यानी जितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वही क्या होगा, उसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा। आगे बता दूंगा, केमिकल इक्विवेलेंट को यहीं खत्म कर देते हैं, आगे की जरूरत ही नहीं रखते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है गाइस। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब इन्होंने एक सेकंड लॉ भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था बेटा इसके लिए, इन्होंने बोला था कि डेफिनेशन एन की, व्हेन द सेम क्वांटिटी is passed through several electrolytes, the masses are deposited are proportional to their respective chemical equivalent, ठीक है, chemical equivalent or equivalent weight। ओके गाइस, इसी को क्या कहते हैं जेड। मतलब कहने का क्या है, अगर एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कुछ मास लिबरेट होता है, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, एम टू इज प्रोपोर्शनल टू जेड टू, अमाउंट ऑफ करंट सेम है, ठीक है। तो बेटा मैं ये बात कह सकता हूं, जेड टू बेटा, वीडियो को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम लिया है मैंने, लेकिन चीजें यहां बताई हैं। मतलब क्या है, करंट आप सेम अमाउंट 1 एम्पियर आप पास ऑन कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, एक में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उनके अंदर जो मास लिबरेट होगा वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। यानी हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना अपना एक केमिकल इक्विवेलेंट होगा, जिसका फॉर्मूला मैं दे चुका हूं, एटॉमिक वेट ओवर वैलेंसी। तो जो उसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा उतने ही अमाउंट का आपका वहां से मास क्या होगा बेटा, लिबरेट होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, टर्म्स related with
इलेक्ट्रोलिसिस, टर्म्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहला टर्म तो बेटा एक ही आता है, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट एफिशिएंसी, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूं मैं, करंट एफिशिएंसी। तो बेटा करंट एफिशिएंसी क्या है? बेटा पहली बात तो मैं कुछ आपको एक, शायद आपने फिगर ध्यान से देखी हो पहली वाली, तो देखो बेटा यहां ये कुछ चीजें हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर का, और यहां पर इन्हें मैंने नाम दिया है इंप्योरिटीज। चलें आगे, तो यहां पर देखो मैंने फिगर भी आपको दिखा दिए, तो यहां से आपको एक बेटर पिक्चर व्यू मिल गया है, ठीक। तो यहां पर आगे चलते हैं, तो करंट एफिशिएंसी क्या कहती है बेटा? ड्यू टू इंप्योरिटीज विच कॉजेस सेकेंडरी रिएक्शन। भाई इंप्योरिटी है तो यानी वहां पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब केमिकल उस इंप्योरिटी के साथ भी रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन ड्यू टू इंप्योरिटी कॉजेस सेकेंडरी रिएक्शन एंड द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड टू द थियोरिटिकल क्वांटिटी, टू द थियोरिटिकल क्वांटिटी, थियोरिटिकल क्वांटिटी कॉल्ड ठीक है थियोरिटिकल क्वांटिटी सॉरी कॉल्ड नहीं कहेंगे थियोरिटिकल क्वांटिटी। तो बेटा ये हमारा जो पॉइंट है यही क्या कहलाती है? करंट एफिशिएंसी। मतलब क्या हो गया सर? पढ़ने से थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा, मैं भी क्लियर करता हूं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड टू द थ्योरिटिकल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। मतलब क्या है? अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पर मैंने ये कंडीशन दी जेड क्यू, और आपसे बोला मैंने कि अगर मैं एक कूलाम का चार्ज देता हूं तो मेरा जो थ्योरिटिकल फॉर्मूले से आता है, अगर मैं बोलता हूं कि एक कूलाम का चार्ज दिया और मेरा 1 kg मास लिबरेट हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, 1 कूलाम चार्ज दिया और 1 kg का मास मेरा लिबरेट हुआ, m इज इक्वल्स टू z की वैल्यू बेटा यहां 1 ले लेते हैं, 1 × 1, तो यहां पर क्या हो गया? 1 आ गया। बट ये तो थ्योरिटिकल क्वांटिटी निकाल दी मैंने, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरी लिबरेट होगी वो मेरी थ्योरेटिकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं होगी ड्यू टू द इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज होने की वजह से कुछ और रिएक्शंस होंगी, तो सेम अमाउंट ऑफ कूलम्ब चार्ज, जो ये वाला चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? उतने इक्विवेलेंट मास को लिबरेट करवा रहा है, समझ रहे हो ना बात? लेकिन जब मैं सेम अमाउंट का ही चार्ज दूंगा ड्यू टू द इंप्योरिटीज, वहां पे भी तो रिएक्शन होगा, वहां पे भी तो क्या होगा, जो आपका कुछ मास वहां से भी तो लिबरेट होगा, तो वहां सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपको जो मास है वो लिबरेट नहीं होगा।
तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है करंट एफिशिएंसी, प्लीज इसे नोट डाउन करके रखना। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। बेटा एक बात बताओ, एनर्जी एफिशिएंसी भी सेम टू सेम यही है कि ड्यू टू द सेकेंडरी इफेक्ट वोल्टेज, रुको लिखवा देता हूं मैं, ड्यू टू इंप्योरिटी देयर इज ए सेकेंडरी रिएक्शन मींस वोल्टेज required for deposition or ठीक है liberation of metal is higher than theoretical value, ठीक है, theoretical value which increases the एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो मैं यहीं पर यही बात बोल रहा हूं, ठीक है, विच इंक्रीजेज एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, मैं इसे सही करता हूं, एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस, यानी फॉर्मूला क्या हो गया इस एफिशिएंसी का, थ्योरिटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई सिंपल सी बात है, जहां वोल्टेजेस होंगे, जब मैं यहां सप्लाई कर रहा हूं वोल्टेज, ठीक है, प्रीवियस पे चलते हैं एक बार। बेटा ये जो वोल्टेज है वी, वोल्टेज जो मैंने यहां अप्लाई किया है, क्या मुझे इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी वी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, because there is always a ohmic losses or voltage dip loss across these electrodes, इनके across voltage का क्या होगा, drop होगा, इसकी वजह से। तो जो मेरे को theoretically formula के according लगेगा, मान लीजिए मेरे को चाहिए 10 volt, लेकिन actual में मुझे चाहिए होगा 11 volt for liberate or deposition of same amount of metal, जो formula आएगा आपका थ्योरेटिकल से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से आपका क्या बनेगा बेटा, फंडामेंटल्स आपके बनेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, आपका क्या हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा क्या हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। थर्ड वन आपका क्या हो गया, एनो डाइजिंग। ठीक है, चौथा आपका क्या होगा, मेटलर्जी में फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। एनोडाइजिंग आपने पढ़ा होगा कि जिस तरीके से हम, ठीक है, गैल्वनाइजेशन करते थे। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स।
अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज द एग्जांपल गाइस। देखो बेटा, ये कॉपर की आपकी रॉड है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। आपने यहां पॉजिटिव लगाया टर्मिनल, ठीक है, इसे एनोड बना दिया आपने, ठीक है, और इसे नेगेटिव बना के इसे कैथोड बना दिया। तो आप देखो बेटा, एनोड से और ये इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, CuSO4, ठीक है गाइस। तो यहां से मेटल जो है आपका लिबरेट हो गया और ये जाके डिपॉजिटेड हो गया किसके ऊपर, Me के ऊपर। यहां पर क्या हो गया, डिपोजिशन। तो यहां रिडक्शन हो गया, यहां ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, देखो गाइस, ये यहां पर SO4 इससे क्या करता रहा, रिएक्ट करता रहा और इसे लिबरेट करवा करवा के वाटर में लेके आता रहा, यहां पर Cu2+ बनता रहा और ये इसकी तरफ जाता रहा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाता, मैं आपका पूरी तरीके से यहां से रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब आज का पढ़ाया हुआ जो प्रोसेस है वो बैटरी में अप्लाई तो होगा होगा, साथ के साथ ये जो दो फेराडे के नियम बताए ना बेटा, ये डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, डायरेक्टली इसी तरीके से पूछेगा। करंट, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला और एनर्जी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, प्लीज इन्हें अपने माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस। पहले जाने से पहले आज का क्वेश्चन बात करूंगा। आज का क्वेश्चन ये है, फैराडे के फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, और सेकंड, कौन सा एनोड या कैथोड ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस्ड होता है, प्लीज कमेंट में करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। सबसे पहले अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेना है आपको। पहले आप जाएंगे साइट पर, फिर उसके बाद क्या करोगे गाइस, गोल सेट करोगे गेट एंड ESC, उसके बाद क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस करोगे यहां पर, उसके बाद मंथली कैसा सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। मेरे हिसाब से थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो 2 years प्लांस लो और अपना एक ईयर में पूरा सिलेबस खत्म कर दो, कॉलेज के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना आप, ठीक है। मतलब ये मत कहना कि सर ऐसे बता रहे, मैं समझा रहा हूं, बैलेंस बना के चलना है, इक्विलिब्रियम, तैयारी भी करनी है साथ के साथ कॉलेज भी बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ईयर पूरा सिलेबस पढ़ो, फाइनल ईयर में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फाइनल ईयर अपेयरिंग में पेपर को क्रैक कर दो, दैट्स इट। कोड राहुल 11 गाइस, राहुल 11 कोड से आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक। मूव करते हैं आगे, फाइनली आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, ठीक है, ऑनलाइन पे करके EMI ऑप्शन भी चूज करते हैं चाहे तो आप ऑनलाइन में, और इसी के साथ हमारे गेट मिशन के साथ जुड़िए, ये हैशटैग वायरल कर दो गाइस, गेट प्रेप डेली। आपको हैशटैग पता है यूज कैसे करने हैं, बस हैशटैग गेट प्रेप डेली डाल दोगे तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगे, आप वैसे भी यंग जनरेशन हो सब पता है आपको, ठीक है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट कर दो यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये कंटेंट आपको मिल रहा है ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ। और इसी के साथ बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर, एंड थैंक यू सो मच गाइस। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, कोई डाउट है तो क्वेरी है सीधा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ और मैं उसका नाम लूंगा जो मेरे आंसर देगा, ठीक है, कल सबसे पहले। तो देखते हैं कौन देता है, किसने वीडियो मेरा अच्छे से देखा है। तो गाइस इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस।